सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बार फिर से हम पोकेमोन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार हमने अपने डैड नॉर्मन को हराया था और गाइस आज हम वापस जाने वाले हैं। मुझे बेसिकली यार बहुत दूर आना पड़ा था और हमें फाइनली HM03 सर्फ मिल गया था, जिसका आज मैं यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। मुझे इस एरिया को एक्सप्लोर करना था, मैंने ऐसा सोचा था, बहुत समय से मैं एक्साइटेड था कि मुझे इस एरिया को पूरा देखना है। तो आज हम जाने वाले हैं इस एरिया से। ओके, तो यहाँ पर हमारी पहली बैटल हो गई है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स थे और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं ना, मुझे तुम सभी ने बताया है, और यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स भी देखी थी, तो मुझे पता है यहाँ पर एक शिप वगैरह है जो काफ़ी समय से वहाँ पड़ा हुआ था, वहाँ शायद हमें कुछ मिलने वाला है, तो मैं वहीं पर जाने वाला हूँ। पहले हम इन्हें हरा देते हैं, फिर हमें वहाँ पर ही जाना है। ओके, तो गाइस हमने इसे हरा दिया आसानी से। एक ही इसके पास में पोकेमोन था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस शिप के अंदर क्या है। सच में यहीं से शायद रूट पड़ेगी, हमें देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कुछ करना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर रिपील्स का यूज़ करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बैटल हो, जितनी ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा अवॉइड करो। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रास्ता है, तुम लोग देख रहे हो, बहुत सारी रूट लग रही है मुझे, जैसे बहुत सारे रास्ते हों यहाँ पर। ओ, मुझे लगा बैटल होने वाली है, सच में वो ट्रेनर एकदम से आया ना, मुझे लगा बैटल हो ही गई बस। ओके, रूट नंबर 106, मैं यहाँ से आराम से निकलने की कोशिश करूँगा गाइस। ओके, हम निकल चुके हैं, ऐसे ही करके हम सबको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर, अच्छा ये वही ड्यूफोर टाउन है ना जहाँ पर मैं पहले आया था, यहाँ से तो हम शिप में भी आ सकते थे। ओके, तो मुझे यहाँ से सावधानी के साथ में निकलना होगा। सबसे पहले मैं रिपील का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर से कोई रैंडम मेडल ना हो जाए। ओ नहीं 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 नहीं, ओके तो हम यहाँ से निकलेंगे, सिंपली दूर से निकलना भी सही है। ओके नाइस, अभी तक तो गाइस हम सभी चीज़ों से आसानी से बच रहे हैं यार, कमाल का है। ओ भाई ये क्या कर रहा है, देख रहा, वो लोग तैरना सीख रहे हैं क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो इससे भी नहीं यार, मुझे लगा गलती इस बार मेरी थी ना, इस बार मेरी गलती थी, हम नहीं निकल पाए, मैं उसके सामने चला गया यार बेसिकली, जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। गाइस सच में यार बहुत सारी टिप्स आई हैं तुम सभी की, मैंने सभी की टिप्स देखी थी, मज़ा आ गया, ढेर सारी टिप्स आई थी। ओके, तो गोल्डीन है यार इसके पास में, और गाइस मुझे यार कोई स्पेशल पोकेमोन चाहिए अपनी टीम के लिए, नेक्स्ट पोकेमोन। अभी हमारे पास में 4 पोकेमोन्स हैं और 5वां हमारे एग से निकलने वाला है, और लास्ट पोकेमोन कौन होगा पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं है। कोई अच्छा सा फायर टाइप पोकेमोन हमारी टीम में ज़रूरी है, इसलिए मुझे एक फायर टाइप पोकेमोन की ज़रूरत है। ओके, तो ये रहा वो शिप जहाँ पर हमें आना था, बहुत बड़ा शिप है यार, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ यार गाइस, मुझे देखना है इस शिप के अंदर क्या है, क्या हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। ओके, मैं वापस क्यों जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे गेट्स हैं, एक गेट टूटा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना यार, मुझे बैटल नहीं करनी है, मैं सिंपली रास्तों से जाने वाला हूँ जहाँ पर कोई भी ट्रेनर ना हो, सभी को अवॉइड करके। ओके, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, मुझे लगा कुछ होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर गड्ढे भी हैं, शायद हम यहाँ पर जा सकते हैं क्या, मैं नहीं जाने वाला गाइस, चलो पहले गेट में जाके देख लेते हैं। ओके, डोर लॉक है यहाँ पर, कुछ स्टोरेज रूम है, शायद मुझे यहाँ पर कुछ मिल जाए, पहले मैं इसमें जाके देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ होना तो चाहिए, इतनी बड़ी शिप है। ओके, तो यहाँ पर एक पोकेबॉल रखी हुई है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। ओके गाइस, तो हमें एक डाइव बॉल मिली है, कमाल की बात है, अभी मेरी शायद ये पहली डाइव बॉल है, मुझे इससे पहले कभी नहीं मिली है, ये फर्स्ट डाइव बॉल है हमारी। ओके, तो मैं वापस जाने वाला हूँ, हमें ऊपर जाके देखना चाहिए, यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी यार, मैं सच में एक्साइटेड हूँ यार, एक बैटल हो ही गई, कोई बात नहीं, चलो एक से तो बैटल करना ठीक है। और गाइस मैं फायर टाइप पोकेमोन के बारे में तो मैं बता रहा था, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अपनी टीम में टोरकोल को रख लूँ क्या, टोरकोल काफ़ी बढ़िया पोकेमोन है, अगर फायर टाइप की बात करो ना तो उसके पास में काफ़ी अच्छे मूव्स हैं, तो मैंने ऐसा सोचा था टोरकोल को अपनी टीम में रखने के लिए, और मुझे पता है वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो अगर तुम में से काफ़ी लोग अगर बोलोगे ना, अगर तुम सच में सजेशंस दोगे, टोरकोल मैं अपनी टीम में ऐड कर लूँगा, या तो कोई और बेस्ट पोकेमोन हो तो मुझे बताओ, कोई अच्छा सा फायर टाइप पोकेमोन, और वो मुझे कहाँ पर मिलने वाला है ये चीज़ भी प्लीज़ साथ में बता देना, मैं वहाँ जाकर उसे पकड़ लूँगा। ओके, क्योंकि गाइस आने वाले जिम्स के लिए, शायद तुम सभी ने मुझे बताया है जहाँ तक मुझे याद है, कि हमारा जो नेक्स्ट जिम बैटल होने वाली है, हमारी जिम बैटल, वो फ्लाइंग टाइप जिम लीडर है, तो उसे हराने के लिए मुझे अच्छे से पोकेमोन्स की ज़रूरत होगी। ओके, हमारा वहाँ पर ट्रिकी तो कोई भी काम नहीं आएगा, मुझे पता है फ्लाइंग टाइप के लिए ट्रिकी कोई भी काम का नहीं है। ओके गाइस, हमें फाइनली स्टोरेज की यहाँ पर मिल गई है, हमें यहाँ पर आना था यार। ओके, ये कौन है,
ये शायद वहीं की स्टोरेज की है जहाँ हमें मिला था, जो वो लॉक था ना, कुछ एरिया था जो भी, शायद ये वहीं की है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए जिससे हम उसे अनलॉक कर पाएँ। शायद वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ हो, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ खास। ये रहा ना वो यही एरिया था, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सच में एक्साइटेड होने वाला है, यहाँ अंदर कुछ हो सकता है। ओ भाई, यहाँ पर TM-13 आइस बीम है, सिर्फ यहाँ पर आइस बीम था, कुछ भी नहीं। और हमने सिर्फ इतने के लिए, और मैं यहाँ से भी नहीं जा पा रहा रियली। मेरे पास में एसके प्रो पड़ी है क्या गाइस? यार मैंने सोचा था वहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, पर वहाँ पर हमें TM मिला है। पर फिर भी ठीक है, वो काफ़ी अच्छा TM है, इसलिए यहाँ आना वर्थ इट था। ओके, तो मैं यहाँ से गाइस वापस जाने वाला हूँ। अब शायद यहाँ पर कुछ भी ना हो, क्योंकि हमें स्टोरेज की मिल गई थी। और अगर मैं कुछ मिस कर दूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वापस आके वो चीज़ ले लूँगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। जहाँ तक तो मुझे इतना ही मिलने वाला था, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। यही चीज़ हम शायद यहाँ पर लेने आए थे। ओके, एक और कुछ रखा है, पर वहाँ पे मुझे बैटल करनी होगी दो लोगों से, तो मैं नहीं लेने वाला उसको। शायद वो कोई बेकार ही चीज़ होगी, कोई रिपील वगैरह जो कुछ भी हो। ओके, तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। फाइनली हम आ चुके हैं। ओके, तो अब मुझे वापस शहर में जाना है, क्योंकि यहाँ से हमें गाइस बहुत लंबा रास्ता है यार, तुम लोग देख रहे हो स्लेटपोर्ट शहर। मुझे फ्लाई की ज़रूरत है। फ्लाई यार कब मिलेगा पता नहीं मुझे, क्योंकि एक बार में हम जा सकते हैं कहीं के कहीं। लेकिन फ़िलहाल तो यार हमें इतना सारा एक्सप्लोर करना होता है, इधर जाओ उधर जाओ, अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो फिर पूरा बैग जाना होता है। सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, इसलिए मुझे फ्लाई मूव कैसे भी चाहिए, फ्लाई HM। ओके, तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, मुझे वापस जाना होगा। मुझे सारी बैटल्स यहाँ की अवॉइड करनी है। जहाँ तक इस बंदे ने मेरा नंबर लिया था, और ये मुझसे रीबैटल करेगा, दोबारा हमसे रीमैच होने वाला है इसका, मुझे लगता है, इसलिए मैं इसे अवॉइड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं रिपील्स का यूज़ करूँगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ रिपील्स का यूज़ करना। ओके, अभी हमारे पास में 6 और पड़ी हैं। ओके, तो गाइस मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादातर तो मेरे से नहीं होती थी, पर फाइनली हम निकल गए। नहीं यार, नो, ये क्या है, ये चीज़ क्या थी? मैं वहाँ से बच के आया, यहाँ दो लोगों के बीच में फंस गया। ये चीज़ बहुत गलत थी, बहुत ज़्यादा गलत। ओके, तो मुझे यहाँ पर दो लोगों से बैटल करनी होगी, और इनके पास में दो दो पॉकीमोन्स हैं, 4 पॉकीमोन्स, कोई बात नहीं। लॉम्ब्रे और इलेक्ट्राइक। ओके, इलेक्ट्राइक और लॉम्ब्रे, इन्हें हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मेरे पास में काफ़ी अच्छे पॉकीमोन्स हैं। पर हमारे ट्री की बाहर क्यों है समझ में नहीं आया, मुझे चेंज करने की ज़रूरत थी, पर कोई बात नहीं, हम इसी से हरा देंगे। ओके, रोल आउट, और गाइस हमें सिर्फ कोई का अटैक दो दो का यूज़ करना होगा, क्योंकि दोनों ही पॉकीमोन डिसएडवांटेज वाले हैं, और उनके जो पॉकीमोन्स हैं उनके पास में एडवांटेज है। हमारा वाटर टाइप और ग्रास टाइप है, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर गाइस मुझे अपने दूसरे पॉकीमोन्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे ब्रेव का और बीस्ट का, काफ़ी इफेक्टिव होंगे ये पॉकीमोन्स। पर कोई बात नहीं, हम इन्हीं से हरा देंगे, ज़्यादा कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनका लेवल बहुत ज़्यादा कम है। और हाँ गाइस, मेरी हेल्थ पहले से बेटर है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पर पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ, वीडियोस बना पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। पर गाइस अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे गाइस रियली मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा, खाने में किसी भी चीज़ में मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए ये चीज़ बहुत बुरी है यार, बहुत बुरी। कुछ खाने का मन हो तो वो भी नहीं खा सकते, बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा हुआ है सच में, इसलिए मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ें खानी होती हैं और हर चीज़ पर ध्यान देना होता है। ओके, और गाइस मैं कोशिश करूँगा यार जितनी जल्दी हो सके हम इस गेम को फिनिश करें। मुझे लेजेंडरी पॉकीमोन्स की हंटिंग भी शुरू करनी है, और काफ़ी सारे पॉकीमोन्स को पकड़ना है। ओके गाइस, हो सकता है हम बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाएं आगे चल के, और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ आएँ। अब से गाइस बिल्कुल भी मिस नहीं होगा कोई भी दिन, हम रेगुलर वीडियोज़ पर काम करेंगे। आई होप कि मेरी हेल्थ एकदम ठीक रहे। हम जैसे ही मेरी हेल्थ एकदम वेल होती है ना गाइस, मैं कोशिश करूँगा दो वीडियोस एक दिन में आए। ओके, तो हम शहर में आ चुके हैं। ओ ये कौन है, ये इसे तो मैं जानता हूँ ना गाइस, जहाँ तक ये वॉटसन है, इससे हमारी बैटल हुई थी। ओके, ओ वेंचर, यू लुक लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ जिप, दैट्स गुड थिंग। फाइन, आई डिसाइडेड आई नीड अ फेवर पॉकीवेंचर। मोबाइल सिटी हैज़ अंडरग्राउंड सेक्टर कॉल्ड न्यू मोबाइल। पॉकीवेंचर, आई लाइक यू टू गो देयर एंड स्विच ऑफ द जनरेटर। द जनरेटर हैज़ बीन रनिंग अ बिट। ओके, तो गाइस मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पर हमें कोई जनरेटर ऑफ करना है, जहाँ की हमें बेसमेंट की मिली है। और ये यहाँ पर कहाँ पर है, मुझे जाने का रास्ता देखना होगा। ओके, रूट नंबर 110 में, रूट नंबर 110 में कोई बेसमेंट होगा जहाँ पर कोई जनरेटर चल रहा है, उसे हमें ऑफ करना है इसके लिए, क्योंकि वो जनरेटर ओवरफ्लो हो रहा है।
आई थिंक यहीं से बेसमेंट का रास्ता होगा जहाँ तक मुझे याद है और थोड़ा बहुत पता है, यहीं पर कहीं पर होना चाहिए। ओके ये रहा जैसा कि मुझे पता था। ओके देखते हैं यहाँ पर वो की लगती है नहीं। ओके गाइस तो यहाँ पर वो बेसमेंट की लग चुकी है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पर क्या होने वाला है देखते हैं। ओके तो यहाँ पर स्विचेस हैं गेट खोलने के लिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिपील्स की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता यार किसी से भी बैटल हो वरना हम परेशान हो जाएंगे। ओके तो मैं यहाँ से बैक होने वाला हूँ सिंपली। मुझे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन मिल सकता है पर कुछ खास पोकेमोन्स नहीं है इसलिए मैं इन्हें नहीं पकड़ने वाला। कोई अच्छा सा पोकेमोन होता जैसे पिकाचू तो शायद मैं उसे अपनी टीम में रखता, पर ये पोकेमोन्स कुछ खास नहीं है। ओके और यहाँ पर मुझे पिकाचू नहीं मिलने वाला, देखते हैं कौन से पोकेमोन मिलते हैं। इलेक्ट्रोवायर भी काफ़ी कमाल का हो सकता है। ओके तो यहाँ पर मैं समझ गया ये गेट बंद हो चुका है, मैं समझ गया यहाँ पर करना क्या है। मुझे दोबारा उसे नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था उस स्विच के ऊपर क्योंकि वो ऑफ़ कर देता है। ओके तो यहाँ से जाने के लिए सिंपल है, बहुत ईजी है यार ये चीज़। ओके तो ये एक और स्विच है, एस्केप रोप मिली है हमें इस, वो गेट बंद है ना। ओके तो गेट खुल चुका है, बिल्कुल ईजी है गाइस, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है और ये एकदम सिंपल है। यहाँ पर दो स्विचेस हैं, मुझे ये वाला ठीक लग रहा है। ओके और उस वाले में क्या है चलो देखते हैं। ओके तो यहाँ पर, ओके गाइस तो यहाँ पर एक एनकाउंटर हो चुका है किसी पोकेमोन से, मैं समझ गया था वोल्टर है ये। ओके तो मुझे सिंपली यहाँ से बैक होना चाहिए। एक और स्विच होगा यहाँ पर, दूसरा वाला स्विच है, दो स्विचेस हैं यहाँ पर, चलो दूसरे वाले में तो जा नहीं सकते। ओके तो दूसरा वाला ऑन क्यों हो गया, चलो यहीं से जाके देखते हैं, गेट तो खुला है। ओके यहाँ पर फिर से दो लोग हैं, शायद एक पोकेमोन होगा, ये रहा एक पोकेमोन, तो हम सिंपली फिर से बैक हो जाएंगे और मैं इससे बैटल नहीं करने वाला। ये फट जाएगा ना अगर, तो मेरा एक पोकेमोन फ्री में हार सकता है, इसलिए मैं सिंपली यहाँ से बैक होने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पर एक और स्विच है, इस बार मुझे किस पर क्लिक करना चाहिए, मुझे शायद इस वाले पर जाना चाहिए, दूसरे वाले पर, मुझे इस बार ये वाला सही लग रहा है। ओके जाके देखते हैं रास्ता खुला भी है या नहीं। खुल चुका है गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर मैं रिपील्स का यूज़ करना भूल गया था। यही वो जगह है गाइस जहाँ पर जिसका स्विच हमें ऑफ करना है, जो मशीन ओवरफ्लो हो रही है। ओके शायद यहीं से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, पूरा विलेज की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ना वो यहीं से कनेक्टेड होगी। और तुम्हें पता है यहाँ का जिम लीडर वॉटसन एक इलेक्ट्रिकल जिम लीडर था, तो शायद उसके जिम की पूरी पावर यहीं से आ रही थी, पर अब वो जिम ओवरफ्लो हो चुका है। ओके तो हमें यहाँ पर एक थंडर स्टोन भी मिला है, चलो हमने इसे ऑफ कर दिया है इस स्विच को। तो गाइस हमें यहाँ पर मतलब आने का सिर्फ एक ही चीज़ थी हमारी, कि थोड़ी सी हेल्प करनी थी हमें वॉटसन की, और यहाँ पर मुझे एक टीएम मिलना था। ओके अच्छी बात है थंडर वोल्ट, अभी तो मेरे पास में ऐसा कोई पोकेमोन नहीं है जो थंडर वोल्ट सीख ले, पर कोई बात नहीं बाद में सीख लेगा, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा एस्केप रोप का यूज़ करके। ओके तो हम बाहर आ चुके हैं गाइस फाइनली रूट नंबर 110 में, अब मैं सिंपली वापस जाने वाला हूँ। हमने यार वॉटसन की आज हेल्प की। ओके तो ये मुझे ये सब टीएम्स के लिए करना था, टीएम बहुत सारे टीएम्स मिले हैं आज मुझे, तुम लोग देख रहे हो शिप में भी मुझे टीएम मिले कुछ और यहाँ पर भी टीएम मिले, आज मतलब पूरा दिन टीएम में गया है। आई न्यू इट पोकेवेंचर, आई न्यू आई मेड द राइट चॉइस आस्किंग यू, दिस इज माई थैंक्स अ टीएम कंटेनिंग थंडर वोल्ट। ओके टीएम 24 मिला है हमें गाइज यहाँ पर, वाह सच में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, फिर से एक नया टीएम, अभी फिलहाल हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी और एक बार फिर से हमें आज टीएम मिला है। तो गाइज यही सब आज हमें करना था, हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो जाओ कमेंट्स में मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए और मुझे कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। और हाँ गाइज कोई बेस्ट फाइटर है पोकेमोन और बताना मत भूलना वो मुझे कहाँ पर मिलेगा जिससे मैं उसे पकड़ लूँ, जाओ कमेंट्स में मुझे सारी टिप्स दे दो। और हाँ गाइज हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम हमारी जर्नी में जुड़ जाओ और तुम्हें बहुत सारी कमाल की चीज़ें पता चल पाएँ। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।